क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें सर्टिफिकेट दो, यहाँ से निकालो अगर हम पाकिस्तानी हैं, वरना हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी। बड़ी दुख भरी कहानी है। इस फक्सू में 300 घर जो हैं वो बिल्कुल एक घर से एक घर लगा हुआ है। इतनी कंजक्शन है कि इधर सूरत नहीं थी कि गांवों को बचाने की। मैं सबसे पहले मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मेरी तरफ से यहां के नौजवानों को मुबारकबाद है, जिन नौजवानों ने आज इस गांव को बचाया है और जिसमें उन्होंने अपनी जान को हाथ में रख कर और सीधे आग में कूद पड़े वो नौजवान यहाँ के, जिन्होंने यहाँ इस आग को बुझाया है। जो हमारे काजी साहब निसार साहब का 40 लाख का ये जो यहाँ पे बिल्डिंग थी राख हो गई है, लेकिन बिजली शॉर्ट होने की वजह से, और मेन मसला जो है वो बिजली शॉर्ट हो गई और उसकी वजह से मकान जल गया। मैं और करना चाहता हूँ, मुझे FIR की कोई परवाह नहीं है। अगर रोड यहाँ ठीक नहीं हुई, हमने आज तक आंसू के खून के आंसू रोया है, हमने बार बार बताया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने गवर्नर साहब को बताया है, हमने तमाम मीडिया को बताया है कि एक बार हमारी रोड को ठीक करो। अगर फिक्सू के लोग बिगड़ गए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, मैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, मैं रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर को कहना चाहता हूँ कि अगर फिक्सू के लोग बिगड़ गए, हम FIR से किसी वक्त भी घबराते नहीं है। हमारे ऊपर FIR लग जाए, कितनी भी FIR लग जाए, अवाम के लिए लग जाए, ऐसे मसलों के लिए लग जाए, इस पे दो राय नहीं है, मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यह बात करना चाहता हूं कि क्या हम पाकिस्तानी हैं? क्या अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें सर्टिफिकेट दे दो, यहां से निकालो अगर हम पाकिस्तानी हैं, वरना हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, आज तक रहे हैं और हिंदुस्तानी हैं। अगर हम पाकिस्तानी हैं, हमें सर्टिफिकेट दिया जाए। क्यों नहीं हमारी रोड बनती है? क्यों नहीं हमारा अस्पताल बनता है? क्या वजह है? हमने किया क्या है? हमने कौन सी इतनी खता की है? हमारा इस वक्त पूरा गांव जल जाता अगर यहाँ के लोग इकट्ठे ना होते। यहाँ की मिसाल है, इससे पहले भी मिसाल रह चुकी है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर ने मिसाल कायम कर दी। हमारे नौजवानों ने, हमारे अवाम ने, हमारी पब्लिक ने यहाँ आज मिसाल कायम कर दी है, दिखा दिया है। ठीक है, हमारे फायर सर्विस के लोग यहाँ आए, वो कैसे जल्दी पहुंचते। मैंने SHO साहब को फोन किया, उसने फोन रिसीव किया। मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, उन्होंने फोन रिसीव किया। लेकिन फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते? एक मिनट, फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते जब रोड ठीक नहीं है? तो फायर सर्विस वाले कैसे पहुंचते? मैं अलबत्ता मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के SDM साहब को, उसका फोन जो था वो उस वक्त और जिस वक्त SDM को मैंने फोन किया, SDM साहब को, उस वक्त वो ड्यूटी पे थे, उस वक्त टाइम 4 से पहले था वो टाइम, लेकिन उस वक्त SDM का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। क्या हमारे घर जले, हमारी दुनिया जले, हम नौजवान मरे, यहाँ के पब्लिक मरे और हमारे SDM साहब स्विच ऑफ रखे? ये कौन सा इंसाफ है? लिहाजा हम ऐलान करते हैं आप मीडिया के थ्रू से, अगर रोड का काम 2 दिन के अंदर नहीं लगा, जिस तरह ये अवाम यहाँ जमा हो गई, आप तैयार है सारे, तो उस वक्त कोई नहीं हमें रोक सकता है। इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है, इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। एडमिनिस्ट्रेशन ठासी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन फक्सू मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन फक्सू मुर्दाबाद। मैं
अंसर साहब हमारी आपकी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ अबाबील वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तमाम लोगों से पहले यहाँ आ चुके। एक बार फिर मैं यहाँ के नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ की एक जाति को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ की पब्लिक को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ की माओ और बहनों को मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ के तमाम इलाके की आवाम को मुबारकबाद करता हूँ कि जिन्होंने इस वक्त अपनी जान को हाथ में रखकर अपने जान को आग में कूद कर इस मकान बल्कि पूरे इलाके को बचा दिया है। तो यही मेरा मैसेज है। जो यहाँ पर इस वक्त फायर इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है इसको आग बुझाने में, लेकिन सबसे लापरवाही यहाँ पर है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि मैं इसके लिए पहले भी 2 बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ SDM ठाठरी को और PMGSY डिपार्टमेंट को भी, क्योंकि जो जंगलवाड़ से लेकर के फक्सू का रोड है ये बिल्कुल सिंगल रोड है और इसमें 2 जगह ऐसी है कि यहाँ पर गाड़ी आना बहुत ही मुश्किल है। और इस वक्त भी अगर रोड सही होती और 10 मिनट के अंदर फायर सर्विस यहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन रोड ठीक न होने की वजह से, जो लापरवाही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से यहाँ पर रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि इनके लिए हम तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम शेम करते हैं कि जिसकी वजह से ये जो इस वक्त बिल्डिंग बिल्कुल राख हो चुकी है। लगभग 30 से 40 लाख का जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसकी जिम्मेवारी जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ठाठरी को है, जबकि मैंने खुद रिटर्न में दिया है SDM ठाठरी को भी और PMGSY डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर कि यहाँ पर जो है रोड की वजह से अगर कल फायर इंसिडेंट होता है कि यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर फक्सू है और ये कंडीशन है इस तहसील फक्सू हेडक्वार्टर की रोड की कंडीशन। पर लोगों ने जो कोऑपरेशन किया है पूरे, बल्कि तहसील फक्सू के नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ पर टाइम से पहुँच गए हैं और हर एक जवान बूढ़े से लेकर बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक और लेडीज़ माएँ बहनें जितनी भी है उन्होंने इसमें पूरा ताउन दिया है आग बुझाने में। हम पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की